देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आतंकी हमला अपना अपना, जिस देश में आतंकवाद का भी बंटवारा किया जाए और कहा जाए कि तुम्हारे शासन में ज्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं, मेरे वक्त पर कम होते थे, आतंकवाद पर आपका रवैया सख्त है, आपका लचीला है, इन तमाम सवालों के बीच राजनीति और सियासत जो आतंक जैसे गंभीर मुद्दे पर उठ रही है वो उठा रही है हल्ला बोल के ये पांच बड़े सवाल। पांच से बड़े सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। आतंकी हमले पर सियासी बयानबाजी क्या सही है? क्या आतंक पर पार्टी पार्टी की राजनीति खेलना सही है? बीजेपी राज में क्या वाकई ज्यादा आतंकी हमले का आरोप सही मालूम होता है? रिकॉर्ड्स के हिसाब से देश की सुरक्षा पर राजनीति होती है, नीति क्यों नहीं इस पर बनती है? इस ओर सक्रिय तरीके से कोई पार्टी कुछ आगे सामने लाकर रखती क्यों नहीं है? आतंकी हमले पर सत्ता में रहते हुए क्यों सुर बदल जाते हैं? विपक्ष में आते ही आवाज क्यों तीखी हो जाती है? पठानकोट के सबूत पर क्या पाकिस्तान अब कार्रवाई करेगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान के सामने कि आतंक की जो फैक्ट्री पाकिस्तान में चल रही है उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान क्या कर सकता है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। पठानकोट हमले पर आज कांग्रेस ने नए सिरे से मोदी सरकार पर हमला बोला है। आतंक के मसले पर मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम ठहरा दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को आतंकी हमले पर राजनीति करनी नहीं चाहिए, बोलने का हक नहीं है। पठानकोट आतंकी हमले पर सियासी बयानबाजी तो पहले से चल रही है, लेकिन आज कांग्रेस ने अपनी पुरानी बंदूक में नए कारतूस भरकर मोदी सरकार पर हमला बोला। पिछली सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा पर सवाल उठाए। ऐसा कोई मैंने अभी तक मेरे पॉलिटिकल करियर में नहीं सुना है कि कोई प्रधानमंत्री अब्रप्टली वहाँ किसी देश के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए जाता है, और गए तो गए, आए वहाँ तो कुछ बातें हो गई, वो कुछ रिलीज किया, कुछ हमें तो मालूम नहीं क्या बातें हो गई। शिंदे ने कहा कि भारत पाकिस्तान में क्या बातचीत हुई, इस पर सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं। उन्होंने खुफिया जानकारी होने के बावजूद आतंकी हमला न रोक पाने के लिए सरकार को सभी क्षेत्रों में नाकाम करार दिया। ये सरकार पूरी फेल हो गई है, इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई यंत्रणा नहीं है। तो ऐसी सरकार इस देश में चलती रहेगी तो हमारे अच्छे दिन के बारे में हम देश को हम ये टेररिस्ट के हाथ में देने का काम कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। बीजेपी ने कांग्रेस और सुशील कुमार शिंदे को मुंबई हमले की याद दिलाई और पूछा कि तब भी खुफिया जानकारी थी, सरकार ने क्या कर लिया था? आतंकी हमले पर राजनीति बंद करे कांग्रेस। शिंदे साहब, आत्मचिंतन बीजेपी को करने की जरूरत नहीं है, आत्मचिंतन आप जैसे लोगों को करना चाहिए जो लगातार आतंकवाद पर वोट बैंक की रोटियां सेकते रहे हैं। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को आतंकवाद पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोते रहते हैं। खुफिया जानकारी होने के बावजूद सुरक्षा में चूक का सवाल पहले भी उठा है, और खुद रक्षा मंत्री एक दिन पहले भी कह चुके हैं कि चूक से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब पुलिस इसे इनकार करती है। पंजाब के डीजीपी का कहना है कि ये पहला मौका है जब आतंकी हमले से पहले ही एनएसजी तैनात कर दी गई। मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, यू नो, इंटेलिजेंस स्टार्टेड वर्किंग। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन एनएसजी गॉट डिप्लॉयड बिफोर द इंसिडेंट, जस्ट थिंक ओवर इट। पठानकोट मामले में एनआईए पंजाब पुलिस के एसपी से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान से भी दो टूक कह दिया गया है कि वो गुनहगार आतंकी संगठन पर कार्रवाई करे। इधर देश के जवानों की शहादत पर आंसू बहाने वाले भी हैं और सियासत चमकाने वाले भी। कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। शहादत पर आंसू बहाने वाले भी और आतंक पर सियासत चमकाने वाले भी, यही प्रथा एक तरह से हमेशा है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि गुरदासपुर में दो संदिग्ध दिखे हैं, वर्दी आर्मी की ही है, सेना की वर्दी में घूम रहे हैं, और गुरदासपुर में ये दोनों संदिग्ध दिखे हैं। फिलहाल बहुत शुरुआती जानकारी है, शक के घेरे में आ गए हैं ये दो। अब क्या इनकी पहचान है, कौन लोग हैं, अभी बहुत शुरुआती जानकारी है। सेना टिपरी कैंप के पास ये दोनों संदिग्ध दिखे हैं गुरदासपुर में। आपको याद हो पठानकोट से पहले गुरदासपुर में भी एक थाने पर इसी तरह से आतंकी हमला हुआ था, और पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन में दरअसल ये दो लोग संदिग्ध पाए गए।
एक खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। श्रीकांत शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। और राजीव रंजन जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का, खास तौर पर पूर्व गृह मंत्री के रूप में सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि जब जब बीजेपी का शासन रहता है देश में ज्यादा आतंकी हमले होते हैं, कितना सही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और आतंकवादियों में बौखलाहट आती है। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो आतंकवाद के खिलाफ जो कठोर कानून है पोटा, उसको हटा देते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अंजना जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो पठानकोट का जो ऑपरेशन हुआ है एंटी फिदाइन, सबसे सफल ऑपरेशन रहा है। तो हमारी आर्म फोर्सेस को तमाम कमियों के बावजूद भी हमें अपनी आर्म फोर्सेस को बधाई देनी चाहिए कि 18 किलोमीटर का जो एरिया है एयरबेस, उसमें उन्होंने सिर्फ 200 मीटर के एरिया में उन आतंकवादियों को मार गिराया। हाँ। तो उसमें सबसे पहले हम तमाम लोगों को, देश की जनता को, देश की जनता दे भी रही है, उसमें किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, तो आर्म फोर्सेस को बधाई देने की जरूरत है। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी हमले की किसी दूसरे हमले से तुलना करना मैं मानता हूं कि बहुत ही गलत है, तुलना करनी नहीं चाहिए। लेकिन यहां तुलना इसलिए की गई क्योंकि यहां आपने 26/11 का जिक्र किया, इसलिए तुलना की गई। तो आतंकवाद को लेकर जब जिस पॉलिटिकल पार्टी की नीति जीरो टॉलरेंस की है, तो उसका जब सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को जो मिल रहा होता है पेट्रोल और डीजल और उनको सब फीड मिल रहा होता है, तो बंद होता है, तो बौखलाहट में वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन हमारे सरकार में आते ही ऐसी ताकतों पर हमने पूरी तरह से शिकंजा कसा है, और ये वो सरकार है, इरादे वाली सरकार है। तो ऐसे लोग हम पर आरोप ना लगाएं जो हमेशा आतंकवाद को दूध पिलाते रहे, आतंकवाद के नाम पर देश को बांटते रहे, आतंकवाद के नाम पर वोट बैंक की रोटियां सेकते रहे। संजय झा जी, जवाब दीजिए, सीधा आरोप लगा रहे हैं वो। अंजना जी, देखिए, बयानबाजी से भारत के 125 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी अब गुमराह नहीं कर पाएगी। भारत के लोग ये बात नहीं भूले हैं श्रीकांत जी कि जब 26/11 का भयानक हमला मुंबई में हो रहा था, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि उस समय श्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ओबराय होटल के अंदर आतंकवाद मासूम लोगों की मृत्यु कर रहे थे और नरेंद्र मोदी वहाँ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। उन्होंने हेमंत करकरे जी की बीवी को जाके 1 करोड़ का पैसे देने का उन्होंने ऐलान किया था। हेमंत करकरे की बीवी ने उनको बोला कि आप मेरे घर से बाहर चले जाइए। ये राजनीति आप लोग करते हैं आतंकवाद पर, कांग्रेस पार्टी नहीं। और दूसरी बात अंजना जी मैं बताना चाहूंगा, देखिए, आतंकवाद, देश का सुरक्षा, ये किसी एक सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि आप हमसे बात करें क्योंकि ये देश का एक विषय है, ये कोई सरकार का विषय नहीं है, किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है। मोदी जी, जब हमला हो रहा था पठानकोट पर, हमारे सैनिक लोग वहां लड़ रहे हैं, मोदी जी वहां पर योगा के बारे में भाषण दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं योगा के बारे में। इनके गृह मंत्री, इनके रक्षा मंत्री, ये लोग पहले दिन कह दिए कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। अरे जब आप लोग इतने जाने माने, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम कि वहां ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग ट्वीट में अपने ही वाहवाही, अपने ही पीठ पर एक दूसरे को शाबाशी कर रहे हैं, तो देश में लोगों को चिंता नहीं होगा? और ये हमारा काम है श्रीकांत जी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आज हम भी सरकार में थे, आप लोगों ने हमारी आलोचना की, जब आप सही थे तो हम उस बात को माने हैं, लेकिन आप सरकार में है, ये हमारा काम है कि यदि आप में खामियां हो, कमजोरी हो, आप यदि इतना बयानबाजी करते हैं 56 इंच की छाती, अंत में पाकिस्तान हमारे घर पर आकर हमारे ही जवानों को मारते हैं, तो इसमें प्रश्न हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? श्रीकांत जी जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य लोगों के पास जाऊंगे। देखिए, राजनीतिक लड़ाई के लिए कहीं किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, राजनीतिक लड़ाई होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बात कहती हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि देश में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी, जब ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन चलने के दौरान ही चाहे कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की, फ्रस्ट्रेशन था उन लोगों का कि ये ऑपरेशन सफल कैसे हो रहा है, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हो रहा है। लेकिन श्रीकांत जी, उदाहरण मोदी जी का भी है, 26/11 हो रहा था तो वो मुंबई गए थे उस वक्त,
अंजना जी आप तो पत्रकार हैं, आप वो वीडियो फुटेज निकाल दिए कि हमले के कितने दिन का बाद, कितने दिन के बाद का वीडियो है? चलिए वो भी निकाल देंगे क्योंकि अभी अचानक ये बात सामने आई है, वो भी जरूर निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन तो आप राजनीति करिए, राजनीति करने में किसी को कोई मना ही नहीं है, लेकिन जब हौसला बढ़ाने का काम हो अपने आर्म फोर्सेस का तब सबको मिलकर हौसला बढ़ाना चाहिए। कमियों पर लेकर चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं, आप भी चर्चा करिए, किसने रोका है आपको? ठीक है संजय जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ जिसके बाद मैं राकेश जी फौरन आपके पास जाऊंगी। संजय जी, ये जो तराजू लेकर आज शिंदे साहब बैठे थे, ये तराजू कहाँ मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि आपके शासन में ज्यादा आतंकी हमले हुए, आपके में कम हुए? क्या है मतलब, ये कौन सा आंकड़ा है, कहाँ पर मिलता है ये आंकड़ा? क्योंकि आप ये कह देंगे कि 26/11 ज्यादा बड़ा था, ये छोटा था, उसमें ज्यादा मरे, इसमें कम मरे, ये कोई कैसे कह सकता है कि इसके शासन में, इस पार्टी के शासन में ज्यादा आतंकी हमले हुए? आपके पूर्व गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या आंकड़े हैं उनके पास इसको साबित करने के लिए? अंजना जी, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के, यदि आप वाजपेयी जी का वक्त कर लीजिए, मोदी जी के वक्त कर लीजिए, इन्होंने मोदी जी का पहले उनके बारे में बात किया जाए, इतने उन्होंने यूटर्न्स किए हुए हैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब, पाकिस्तान उसको कमजोरी समझ रहा है। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल का नहीं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, उसका मैं जवाब, पठानकोट पे जो हमला हुआ है, आप कितने भी, आप जितने भी सुरक्षा के एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट को पूछिए, तो उन्होंने कहा है कि इसको जिस तरीके से हमने हैंडल किया है, यहाँ पर ये लोग अजीत डोभाल जी को बहुत शाबाशी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी गलती की है जिस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को हैंडल किया है। दूसरी बात, आपको याद होगा कि लाहौर में वाजपेयी जी बस पर गए, उसके बाद 26/11 पर क्या कहा गया? आतंकवाद तो छोड़िए, भारत पर युद्ध हो गया। आपकी सरकार में तो गृहमंत्री धमाके की एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच कपड़े बदलते थे, शेरवानी बदलते थे, अगर आपको याद हो तो। ऐसे डिटेल्स में आप खुद पसीएगा, गृहमंत्री का नाम आप खुद बताइए। नहीं, ये तब आप मोदी जी के कपड़े, मोदी जी के जैकेट्स देखिए आप। नहीं, मैं आई डोंट वांट टू डिबेट एट अ लोअर लेवल अंजना, क्यों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लोअर लेवल पे ले जा रहे हैं जब आप कहते हैं कि एक मंत्री के शासन में ज्यादा रहता है आतंकी हमला। सर तो फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए ना, आप कैसे कह सकते हैं इसमें ज्यादा होते हैं उसमें कम होते हैं? आतंक आपका और किसी और पार्टी का नहीं हो सकता है, आतंक में इस देश के लोग मरते हैं। मैं अब राकेश सिन्हा जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि वाजपेयी जी जब पाकिस्तान गए तो करगिल हो गया, मोदी जी गए मिलने तो पठानकोट हो गया, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। इस पर आने से पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी शिंदे साहब पर करूंगा। शिंदे साहब ने कहा उनके राजनीतिक करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कोई प्रधानमंत्री अनशेड्यूल्ड विजिट कर देता है पाकिस्तान में। अरे भूल गए 1989 में राजीव गांधी सोनिया जी के साथ बेंजीर भुट्टो से मिलने इस्लामाबाद पहुंच गए, कोई शेड्यूल में नहीं था। मैं शाहिद सिद्दीकी, एक उर्दू के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, उस ट्वीट के हवाले कर रहा हूं, वो राजीव गांधी के साथ थे। इसे शिंदे साहब फैक्ट चेक कर ले। शिंदे साहब वही है जिन्होंने 21 फरवरी 2013 को जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदू टेररिज्म शब्द का विश्व के डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा, अगले दिन माफी मांग ली। इनके जवान में 3 गृह मंत्री हुए, शिवराज पाटिल में क्या हुआ आप देख लीजिए। शिवराज पाटिल में मोहनचंद शर्मा शहीद हुए, बाटला हाउस हुआ, इंदिरा जी जिस पे सोनिया जी ने खूब अपना रोना रोया, दूसरा 26/11 हुआ, तो इनके नेता कहते हैं 26/11 आरएसएस ने करवाया। तो कांग्रेस को हम गंभीरता से इसलिए नहीं लेते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कभी गंभीर नहीं रही। जहां तक बात पठानकोट की है, मैं एक बात बता दूं कि पठानकोट की घटना हुई जब मोदी जी गए तो इस सबको आशंका थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई या वहां के जो आतंकवादी संगठन कुछ न कुछ जवाबी हमला करेंगे बातचीत को तोड़ने के लिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सरकार कह रही है हम आपको सहयोग करेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, मैं कहना चाहता हूं इस देश की जनता के सेंटिमेंट के साथ सरकार है, यदि पाकिस्तान की सरकार पठानकोट के मामले में सहयोग नहीं करेगी तो उनको छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, पर हम वो मासूम बच्चे, वो महिलाएं जो विधवा हो गई हैं, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को खो चुके हैं, वो सिर्फ एक माँ बाप नहीं है, वो एक महिला नहीं है, एक बच्ची नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से आज उस आग में, उस आक्रोश में तड़प रहा है, सरकार को वो सेंटिमेंट मालूम है। सरकार में राष्ट्रवादी लोग बैठे हुए हैं। संजय जी कम से कम मजाक मत कीजिए आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पर, और यदि पठानकोट में कोई चूक हुई तो आप रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से सीख लीजिए। जॉर्ज बुश से चूक होती थी, सरकार नहीं चला पा रही है। कांग्रेस के लोग सबसे ज्यादा अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी की संस्कृति को भी सीखें, इंग्लैंड के लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी की संस्कृति को भी सीखें। जब लंदन में साथ साथ हुआ
और अमेरिका में 9/11 हुआ तो बताइए वहां की सेना जी, आप लोग अमेरिका के दबाव पर काम कर रहे हैं, आपकी कोई विदेश नीति नहीं है, आप जिस तरह अमेरिका के दबाव पर आप मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड बैंक के सीधे वर्ल्ड बैंक के हवाले हाथ भेजे गए थे, क्या बात कर रहे हैं आप, जरा भाषण मत दीजिए, आरएसएस तो भाषण न दे तो अच्छा रहेगा, आंतरिक सुरक्षा पर क्या मालूम है आप, क्रिकेट से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक बहस करने पर पहुंच जाते हैं, आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपको तो इतिहास भी मालूम नहीं, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है, राजीव रंजन जी, वक्त जाया किए बिना फ्रांस जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, यहाँ पर भी आतंकी हमले होते हैं, लेकिन यहाँ पर दलगत राजनीति करके लोग अपनी ही सरकार पर नहीं टूट पड़ते हैं, क्या आतंक पर सियासत सही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि आतंक पर तो निश्चित तौर पर सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी जब देश में सभाएं संबोधित कर रहे थे, पाकिस्तान और चीन से जुड़े सवाल लगातार उनके भाषणों में बहुत ही प्रमुखता के साथ थे, और ऐसा उन्होंने महसूस कराने की कोशिश की कि उनकी सरकार आएगी, पाकिस्तान को बिल्कुल ही हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से बाहर कर दिया जाएगा, चीन के साथ वर्षों पुरानी जो अदावत है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके उलट जब से वो सत्ता में आए, राजीव जिस जी, तरह के राजीव जी डिप्लोमेटिक राजीव जी बोधगया में क्या हुआ था? देखिए, निश्चित तौर पर बोधगया के आपको अगर याद दिलाना मैं चाहूंगा तो पोरबंदर में क्या हुआ था मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा, गांधीनगर में क्या हुआ था मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, देश के कई राज्यों में कई, चलिए एक दिन बैठते हैं और सभी एक दूसरे को याद दिलाते हैं कौन जब शासन में था तो किस तरह के आतंकी हमले हुए, सवाल यह है कि आतंक के खिलाफ एक देश के रूप में कितने एकजुट हैं हम, इस पर क्या कोई सोचेगा, क्या कोई सकारात्मक तरीके से कहेगा कि ये कर सकते हैं, इन 7 सालों में ये नहीं हुआ है, 26/11 के बाद ये करना जरूरी है। यूपीए की सरकार जब थी तो बिरयानी खिलाया पाकिस्तान के नेताओं को, अब प्रधानमंत्री ने चाय पी, यहां पर पहुंच गई है बातचीत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह की बातों के साथ सरकार पर हल्ला बोला है। मैं श्रीकांत शर्मा जी, लेकिन जो कुछ मुख्यतर संवेदनशील सवाल दिखे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब आपसे इस वक्त चाहती हूं, क्योंकि एक सवाल जो शिंदे साहब ने पूछा वो पूछा कि आपने पाक हाई कमिश्नर को बुलाकर इंटरनेशनल लेवल पर एक सख्त संदेश देने की कोशिश क्यों नहीं की हिंदुस्तान में। दूसरा सवाल, गृह मंत्री हो या फिर अन्य मंत्री, सब बड़े आनंद फानन में दिखे और ट्विटर पर सबने बिना जानकारी लिए हुए इधर उधर से, या फिर गलत जानकारी उनके पास थी उन्होंने ट्वीट कर दिया। इन दो संवेदनशील और सख्त सवालों पर आपका जवाब मैं चाहती हूँ। देखिए, पहले मैं सवाल का जवाब दूंगा कि पठानकोट हमले के बाद देश में बहुत आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, हाँ। और उस गुस्से का इजहार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कड़े शब्दों में वहाँ के प्रधानमंत्री जी का जब फोन आया तो उनको कम्युनिकेट कर दिया और कहा कि आपकी जमीन का उपयोग हुआ है पठानकोट आतंकवादी हमले के लिए, आपको सख्त कार्रवाई एक समय सीमा के अंदर उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ करनी होगी, और पलट कर उन्होंने कहा कि हाँ निश्चित रूप से उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बेसिक फर्क है। दूसरा, आपने जो सवाल दूसरा उठाया, मैं मानता हूं कि कुछ कहीं ना कहीं कमियां रही और मैं उस कमी को भी स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 18 किलोमीटर का एरिया है, वहां जिस तरह से सर्च हुआ, लेकिन बड़ी बात अंजना जी ये है कि हम छोटी छोटी चीजों को लेकर जो एक बड़ा एक जो हमला जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग नाकाम करने में सफल रहे हैं उससे हमको ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। आप हमको गाली दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो गाली तभी भी सुनते हैं जब हम 1993 का जो मुख्य आरोपी है उसको जब फांसी की सजा होती है तब भी ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं, ये भी 3:30 बजे कोर्ट पर जाते हैं दरवाजा खटखटाते हैं, ये वही लोग हैं जो 1993 के जो मुख्य आरोपी हैं, जब आतंकवादी आए तो इन्हीं के सांसद के घर में गोला बारूद रखा गया, आज उनका बेटा उसी के जुर्म में सलाखों के पीछे है, और जब उसको फांसी होती है तो यही लोग मनीष शंकर जैसे लोग वे दरवाजा खटखटाते हैं कोर्ट का, उसकी आतंकवादी की फांसी का विरोध करते हैं। संजय जी, इसीलिए कहा मैंने कि ये लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है आतंकवाद पर बोलने का, ये सरकार उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है जो कांग्रेस ने इस देश को विरासत में दी है। संजय, कांग्रेस का मुख्य पत्र कहता है, ये कांग्रेस दर्शन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अंजना जी, मैं यही कहूंगा कि देखिए, इस सरकार को कम से कम अब तो ये समझें कि बयानबाजी से और ये 56 इंच की छाती की भाषण देने से, या जो झप्पी राजनीति जो मोदी जी ने लाहौर में किया, कि हाँ। साड़ी और शॉल ये सबसे नहीं चलता है। ये श्रीकांत जी, आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जब यूपीए की बात हो रही थी तो चिकन बिरयानी था,
अब तो मोदी जी वहां दाल मखनी और शाही टुकड़ा भी खिला रहे हैं और यहां पर आपके देश में हमला हो रहा है। आरएसएस और भाजपा के यहां प्रवक्ता यहां आपका हम लोग पर हमला कर रहे हैं। भाई साहब, देश के सीमा पर हमला हो रहा है, वो उसके बारे में चिंता कीजिए। संजय जी, आप ही की बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, आप ही की बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। श्रीकांत जी, अंजना जी, सिंधे साहब ने आज बिरयानी की बात की जयपुर में। अरे सिंधे साहब, जब शहीद हेमराज का गर्दन काटकर पाकिस्तानी लोग ले गए तो आपको एक हफ्ता लगा था प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड कराने में पाकिस्तान को। यहाँ तो पठानकोट का हमला हुआ है, वहां के प्रधानमंत्री जी का फोन आया और हमने अपना प्रोटेस्ट कड़े शब्दों में रजिस्टर्ड कराया और वहां से कार्रवाई का भरोसा भी मिला है और समय सीमा के अंदर मिला है। तो ये फर्क है, लेकिन किसी घटना की तुलना किसी दूसरी घटना से हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस हमको बाध्य करती है बार बार, क्यों हमें उनको उनके अतीत को ध्यान में दिलाना होता है, जिनके शब्दों पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए इनको आईना दिखाने के लिए। अंजना जी देखिए, हमने ये बात पहले भी कहा है और आज आपका चैनल बहुत ही लोकप्रिय है, उसके माध्यम से भारत के जितने लोग हैं, दर्शक लोग चिंतित हैं, क्योंकि ये सरकार पाकिस्तान की नीति के साथ भारत के लोगों को उन्होंने भरोसे पे नहीं लिया है। ये क्यों गुप्त तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, ये किसी भी विपक्षी दल से क्यों नहीं बात करते हैं? मोदी जी क्या छिपा रहे हैं? क्या वो डरते हैं कि अब उनकी 56 इंच के भाषण का अब खुलासा हो चुका है? अभी यशवंत सिन्हा, श्रीकांत जी हम पर मत चिल्लाइए, यशवंत सिन्हा आपके भूतपूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का विदेश नीति बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेतुका है, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं होगा, ये बातचीत क्यों कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज शिवसेना आपकी विदेश नीति को निकम्मा समझती है, आप उसका जवाब दीजिए। आप हम पर आके चिल्लाते हैं टीवी स्टूडियो पर, आप देश को बचाइए, आपकी जिम्मेदारी है, आपको चिल्लाते हैं, ये कोई सही बात नहीं है। अंजना जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कांग्रेस के मित्रों को कि आप इतनी कांग्रेस को लोग इतनी बौखलाहट में ना आए। भाई इस देश ने 16 साल इंदिरा जी को देखा है, 16 साल नेहरू जी को देखा, 15 साल इंदिरा जी को देखा, 10 साल सोनिया राहुल जी को देखा। अरे हमें तो 20 महीने आए हैं, 20 महीने में इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? भाई धैर्य रखिए, 25 साल तक रहने वाली सरकार है, धैर्य रखिए, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। और मैं सिर्फ जेडीयू के मित्र को इतना बताना चाहता हूँ, जेडीयू के मित्र को इतना, अरे यासीन भटकल जैसे लोगों को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए वोट बैंक के चलते, आप आतंकवाद पर क्यों बोलते हैं? और आपने वायदे भी इस तरह से किए, आतंकवाद पर क्यों बोलते हो? यासीन भटकल का क्या रिश्ता है आपके साथ? क्यों गिरफ्तार नहीं किया नीतीश कुमार जी ने उसको? पाकिस्तान चाहिए, यासीन भटकल आपका क्या लगता है? क्यों गिरफ्तार नहीं किया उसको? चीन तोड़कर ला देंगे, लेकिन अब ये उल्टी गिनती। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का सरगना था, उसके आपके साथ क्या संबंध है? राजीव जी वो यासीन भटकल पे सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब बिल्कुल पूछिए। यासीन भटकल के सवाल पर बिहार की पुलिस ने इंडियन काफी मुस्तैदी के साथ गिरफ्तारी में अपनी प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन किया। और मैं आपको एक बात बार बार कहना चाहता हूँ कि देश की सीमाओं पर जब भी कोई सवाल उठेगा पूरा देश एक साथ होगा, लेकिन सैनिक नेतृत्व की अगर कोई कार्रवाई का कोई अपनी पीठ और अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस्तेमाल करता है, म्यांमार के सवाल पर भी हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से उस सो कॉल्ड हॉट परस्यूट को लेकर के जो दावे इनके थे उसकी हवा निकाल दी थी म्यांमार की सरकार ने। और इनके जो प्रवक्ता थे घरेलू मंचों पर नेपाल के राहत से लेकर इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सवाल पर जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रहे थे उसे कहीं ना कहीं उन देशों में भारत की किरकिरी हुई है। राकेश जी, और इसे स्वीकार कीजिए अंजना जी कि कभी भी जो डिप्लोमेसी है और देश के अंदर की घरेलू राजनीति है इनके बीच कोई घालमेल नहीं हो सकता है। इन दोनों के समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं, और इसमें जो लोग भी घालमेल करते हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। राकेश जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ साफ तौर पर कि पाकिस्तान के बारे में एक नीतिगत फैसला जो दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान का जो सिविल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और आतंकवाद, क्या पाकिस्तान की सरकार भारत की इस नीति को स्वीकार कर रही है? अभी तक का जो संकेत है उसमें सकारात्मक है कि पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हम जांच में सहयोग करेंगे, जांच कर रहे हैं, हम निंदा करते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है, नहीं बनेगी तो उसका अलग रास्ता होगा। एक सेकंड, आतंकवाद आपको राकेश जी स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछती हूँ। प्रधानमंत्री ने
फोन पे बात की, नवाज शरीफ ने फोन किया, प्रधानमंत्री ने बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे। मिलने के बाद पठानकोट जैसा हमला होता है, जानकारी ये आज तक के पास पुख्ता है जिसमें बहुत उच्च स्तरीय सोर्सेज ने बताया है कि बाकायदा वहां के एयरबेस कैंप में इन आतंकियों की ट्रेनिंग हुई है, रावलपिंडी से लेकर हर जगह की शह में ये आतंकी ऐसा हमला प्रधानमंत्री के वहां पर जाकर मिलने के बाद, जन्मदिन मुबारकबाद कहने के बाद ऐसा आतंकी हमला करते हैं, और आपको लग रहा है कि अब अचानक पाकिस्तान बदल जाएगा, नवाज शरीफ सेना को, आईएसआई को सब कुछ ओवररूल कर देंगे और फौरन मौलाना मसूद अजहर को सौंप देंगे जो कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया है। मैं जवाब देता हूं। देखिए मैं इतना आशावादी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूं कि रहील शरीफ जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, जब अमेरिका गए थे जुलाई में और जिस तरह से अमेरिका ने उन पर दबाव डाला, उसके बाद रहील शरीफ की जो गिरावट आई, सत्ता का केंद्र रहील शरीफ जो एक समानांतर सत्ता का केंद्र चला रहे थे उसमें एक गिरावट आई है। यदि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एक मौका नहीं देंगे, मैं कहता हूं मौका टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनंत काल का उपक्रम है कि आपको मौका देने 4 साल का, क्योंकि 15-20 दिनों के अंतर्गत पाकिस्तान सकारात्मक रुख नहीं दिखाता है तो पाकिस्तान के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो एक आतंकवादी राज्य के साथ लोकतांत्रिक राज्य को व्यवहार करना चाहिए। श्रीकांत शर्मा जी, देखिए अंजना जी, मैं तो आपके चैनल पर तो सरकार की आगे की क्या स्ट्रेटजी है उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये सरकार, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस कहती है कि दूतावास को बुलाना चाहिए था, भैया ये एक्टिंग करने वाली सरकार नहीं है, ये एक्शन करने वाली सरकार है, और मुझे लगता है कि देश की जनता को इस सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि दुनिया के अंदर भारत का और भारतीयों का सम्मान बढ़ाने का इस सरकार ने काम किया है, और ऐसे लोग इस सरकार के काम पर उंगली ना उठाएं जो याकूब मेनन की फांसी पर भी विरोध करते हैं और आतंकवादी कार्रवाई पर भी, कहीं ना कहीं वो आतंकवादी कार्रवाई पर भी जिस तरह का वो ढोंग दिखावा करते हैं, ये वही लोग हैं जो आज सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो फांसी का विरोध कर रहे थे। तो थोड़ा आत्मचिंतन कर लो, अच्छा रहेगा, देश के हित में भी रहेगा और आपके हित में भी रहेगा, और मैं तो आग्रह करता हूं कि आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। संजय जी, सकारात्मक विपक्ष, अंजना जी, कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है अंजना जी, कितनी अफसोस की बात है कि भारत पर आतंकवाद का हमला हुआ है, भारत के आत्मा पर हमला हुआ है, सिर्फ पठानकोट पर नहीं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न पूछे तो इतना अहंकार और घमंड, आपके सरकार के वक्त कारगिल हुआ, आपके सरकार के वक्त भारत के संसद पे हमला हुआ, उसके बावजूद आप मुशर्रफ जी को आगरा में चिकन बिरयानी खिला रहे थे, और यहाँ पर जब ये हाल है भारत का कि प्रधानमंत्री लाहौर जाते हैं वहां शादी की झप्पी राजनीति करने के लिए, और पाकिस्तान आपको ऐसा जवाब देता है, और आज भी आपने निर्णय नहीं लिया कि भविष्य में बातचीत होगा या नहीं होगा, आप इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं मोदी जी, इसी बात का चिंता है, और हमारा जिम्मेदारी एक लाइन में इसका जवाब दीजिए क्योंकि मुझे अब बहस करना है सारे भारत को कि आपको हम प्रश्न पूछेंगे। श्रीकांत जी, एक लाइन में इसका अंजना जी, एक लाइन, हाँ, ये मजबूत सरकार है, ये भरोसे की सरकार है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश की जनता ने देखा है जिन लोगों को 22-22 साल 20-20 साल से इन्होंने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किए थे, उनको लाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और जहां तक नॉर्थ ईस्ट में हमारी आर्म फोर्सेस पर आतंकवादियों ने हमला किया, उनको उनकी भाषा में ही, उन्हीं की माद में उनको मारने का काम भी हमारी सरकार ने किया, लेकिन देश देख रहा है, देश ने लंबे समय तक कांग्रेस को देखा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 20 महीने की सरकार से इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया है, और खिसियानी बिल्ली खंबा नूचे, ये मुहावरा इन पर चरितार्थ होता है, धैर्य रखो, अभी आपको लंबे समय तक विपक्ष में रहना है, ये सरकार 25 साल तक राज करने वाली है इस देश में। एक सच पाकिस्तान है, एक सच पाकिस्तान है, लेकिन उससे भी बड़ा सच इस देश की सियासत है। एक सच ये है कि हमें अपने खूनी इरादे वाले पड़ोसी के साथ कहीं ना कहीं रिश्तों को बेहतर करना है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि देश के अंदर हो रही आतंक पर राजनीति का भी सामना करना है, और इसीलिए कई बार लगता है कि ऐसी बहस में सिर्फ हवाई सौदेबाजी का ही चरम हम छू पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज।